ओके बच्चों, तो रिफ्लेक्शन पे PYQ का सवाल करवा दिए थे। अब आपके मॉड्यूल का सवाल हम करवा रहे हैं। पेज नंबर है 144, क्वेश्चन नंबर है 1, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन को समरी के रूप में बोर्ड पे बता दूंगा, आप सुन लीजिए। दिया हुआ है कि एक ड्राइविंग मिरर है, ठीक है ना, जिसमें कि क्या लगा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल मिरर, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ओवर कर्व्ड सरफेसिज है 10 सेंटीमीटर। इफ़ दी आई ऑफ ड्राइवर इज एज्यूम्ड टू बी एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर, देन द फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है बेसिकली? मान लीजिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इससे बहुत सारा रे निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, बहुत सारा। तो जिस रीजन में ये रे प्रजेंट रहता है ना, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। अब अगर आपको ये दिखाई देना है तो आपका आंख इस रीजन में कहीं भी होना चाहिए। अगर आपका आंख इस तरीके से है, इस रीजन के बाहर, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। वैसे ही मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है, तो इमेज से बहुत सारा रे ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको इमेज दिखाई देना है तो आपकी आंखों को इस रीजन के बाहर नहीं होना चाहिए, होना कहीं अंदर चाहिए आपकी आंखों को, तो दिखाई देगा। तो फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली क्या होता है, एक रीजन जिसमें कि किसी ऑब्जेक्ट या इमेज का जो भी फील्ड ऑफ व्यू होगा, उसमें उनसे निकलने वाला डाइवर्जिंग रे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो गाड़ियों के साइड व्यू के मिरर के रूप में आप जानते हैं क्या प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, मैं उसका फिगर बना देता हूँ। मान लो ऐसे कोई मिरर है, ठीक है ना, बहुत सारा इस तरीके से रे आएगा, बहुत सारा, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड किससे होगा, अंतिम वाले से होगा, ठीक है ना। एक बात आपको पता ही है कि सब रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा, फ्रॉम दी फोकस, ठीक है। इस सब का सब जो है आपको फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, सब का सब। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये सारा रे रिफ्लेक्शन के बाद ये और इधर ये और ये सारा यहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जो भी इमेज है वो यहां पे बनेगा, यहां पर इमेज बन जाएगा फोकस पे। तो इसी के कारण जितना रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है ना, उसका पूरा ये जो जोन होगा, इसको हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू, इसको एंगल में मेजर किया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, देखो ये दिख रहा है ना बाबू, ये वाला इसका लेंथ गिवेन है, ये आर्क है, ये क्या है, आर्क, आर्क का लेंथ गिवेन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा जो सी सी का दूरी होता है ना, रेडियस, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आधा हो जाएगा ना जी, फोकल लेंथ का दूरी मतलब यहां से यहां आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल चाहिए हमको, यही फील्ड ऑफ व्यू होगा। तो आप पहले बोला एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस,
इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मत लेना, इस एंगल के लिए देखना, इस एंगल के लिए सेंटर ये होगा और ये हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। तो आर के जगह पे 10 डालो, रेडियस की जगह पे डालो 5, आ गया आंसर 2 रेडियन, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है बच्चों, ठीक है ना, चलो छाप लो, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से बेस्ड है। आप लोग को हम पढ़ाए हैं लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन, ये दूसरा सवाल है जिसमें मैं पढ़ाया था आपको कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या रहता है, इस तरीके से रहता है अलोंग द एक्सिस, और उसका इमेज भी ऐसे ही बनता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या होता है, याद कीजिएगा U1, और दूसरा पॉइंट क्या होता था U2, फिर वैसे ही एक पॉइंट क्या होता था V1 और एक पॉइंट क्या होता था V2। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट याद कीजिएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा U2 - U1, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसको मान लीजिए आप V1, इसको V2 मान लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा आपका V1 - V2, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं डेल्टा यू, इसको क्या कहेंगे डेल्टा वी, ठीक है ना। तो अगर ये बहुत छोटा हो जाए तो इसी को आप क्या लिखेंगे TU, और यही जब बहुत छोटा हो जाए तो इसको क्या लिखेगा DV। इसको कहते थे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कहते थे हाइट ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज, हाइट नहीं बेसिकली लेंथ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये बड़ा रहता है तो इस पर दो को सवाल ऑलरेडी करा दिए थे PYQ में, जब ये छोटा रहेगा ना तो इसके लिए हमको इस्तेमाल करना होगा क्या डिफरेंशिएशन। तो सवाल में ऐसा ही दिया हुआ है, गिवन है सवाल में कि एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है दिया हुआ है जिसका कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है L। तो पूछ रहा है कि हाइट से मेरा मतलब साइज से है, L दिया हुआ है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है L है, इसको एक्सिस के अलोंग रख दिए हैं, ठीक है ना। ये भी गिवन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, और ये भी गिवन है कि इमेज डिस्टेंस B। ये तीनों गिवन है, यही पूछ रहा है कि इमेज का ये कितना होगा, ठीक है ना। इसको आपको हम बता ही दिए हैं क्या मतलब है, बहुत सिंपल, इसको डिफरेंशिएशन करना है, 1/V + 1/U = क्या होता है 1/F कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, इसको लिख सकते हो V - 1 U - 1 और F - ये कांस्टेंट है, ठीक है। इन सब को आप V या U के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, या खुद के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ V - 1, डिफरेंशिएशन ऑफ U - 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ F - 1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आगे चला आएगा, और फिर V कितना आ जाएगा -2 × dV, वी का डिफरेंशिएशन dV, अब वी के पावर का ये है, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आगे आ जाएगा, यू का डिफरेंशिएशन पावर का -2 और खाली यू का DU बराबर कितना 0, ठीक। अब ये जो dV है यही तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज है, ठीक ना, और DU दिया हुआ है
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डी यू होगा, ये दिया हुआ है, डी यू ऑब्जेक्ट का हाइट है, दिया हुआ है कितना एल, ठीक है, यही डी भी चाहिए खाली, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो डी भी बराबर ये चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना, तो माइनस यू का पावर माइनस टू डी यू, अब बाकी ये नीचे आ जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, ये नीचे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, अब भी का भी पावर है कितना ही माइनस टू है, अब इसको क्या करो, ये जो पावर दिख रहा माइनस टू ये ऊपर चला जाएगा बी स्क्वायर, ये जो पावर माइनस टू है नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा डी यू, और ये माइनस साइन इधर है यही है तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले लो बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू, और डी यू का वैल्यू कितना के बराबर है एल के बराबर है, ठीक है ना, यही आंसर था, ठीक है। जब ये बड़ा रहता तो फार्मूला से मिरर इक्वेशन लगा के हम लोग निकालेंगे ऑलरेडी, ठीक है ना, जब बहुत छोटा रहता है तो बस डिफ्रेंशिएट करके निकालना रहता है, ठीक है ना। आप लोग को याद होगा इस तरीके से ऑब्जेक्ट रहा करता था, याद करो, एक ऑब्जेक्ट होता था ऐसे, एक पॉइंट सी पे होता है, एक पॉइंट दूर होता है, इमेज ऐसे बनाते थे ना, कहते थे कि आपका ये यू वन है, ठीक है, तो बोलते थे कि ये वी वन हो जाएगा, फिर हम बोलते थे कि ये यू टू है, कॉरस्पॉन्डिंग इसको वी टू कहते थे, याद है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यू टू माइनस यू वन, लेंथ ऑफ इमेज वी वन माइनस वी टू, ठीक है। यही अभी बहुत छोटा हो गया है तो इसका यही मेथड होता है डिफ्रेंशिएट करके निकालने का, ठीक है ना। चलो आप लोग नोट कर लो, इवन इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह बताते वक्त भी ऐसे डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल हम लोग किए थे, याद कीजिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन करते हैं, दिया हुआ देखिए बच्चों, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है जी, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऐसे थीटा एंगल पे फेंक दिए हैं, तो सवाल पूछ रहा है वेलोसिटी मोशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। देखिए बहुत आसान है, इसका वेलोसिटी इधर क्या होगा यू कॉस थीटा, इधर क्या होगा यू साइन थीटा, इसका इमेज इस तरफ ऐसे बनता होगा ना, इसी टावर का सेम टू सेम, और ऐसी ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, ऐसी थीटा बनते हुए दिखेगा, इधर क्या दिखेगा यू कॉस थीटा, ये अगर आई कैप है और ये अगर क्या है जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, इधर हो जाएगा जे कैप। आप देख लो ध्यान से, इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन वाई एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस। देखो वाई एक्सिस में कुछ है ही नहीं रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों है क्या बराबर, बराबर है, ठीक है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस में देखोगे इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा माइनस टू यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। इसका मतलब ये कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सिर्फ वन डायमेंशन में है, एक्स एक्सिस में है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन दिखेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, वर्टिकल में कोई मोशन दिखेगा ही नहीं, तो कोई प्रोजेक्टाइल नहीं नजर आएगा, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं, दिया हुआ है कि तीन यूनिट वेक्टर है, चौथा सवाल है, ये आपको हम थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, एक इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, इसके तरफ एक यूनिट वेक्टर लिया हुआ है एन वन कैप, इसके तरफ लिया है एन थ्री कैप और इसके तरफ लिया है एन टू कैप, कह रहा है कि इन तीनों में क्या होगा करेक्ट रिलेशन, तो हम बताए थे तीनों अगर को प्लानर है
तीनों का क्या है कोप्लैनर, तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, मैं पढ़ाया था आप लोग को। तो N1 क्रॉस N2 कैप डॉट N3 कैप ये जीरो आ जाएगा, यही इसका आंसर है, हो गया, बन गया, ठीक है ना। एक सवाल दिया हुआ है 5 नंबर में, ठीक है ना, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको आप बस खाली रट लीजिए। मैं बता देता हूँ, सवाल है कि डिजिटल मूवी प्रोजेक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कल याद रखिएगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम माइक्रोमीटर, ठीक है ना। प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर का प्रिंसिपल कह रहा है, इसको रट लीजिएगा, इसका प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन फ्रॉम माइक्रोमीटर्स, रिफ्लेक्शन फ्रॉम माइक्रो मिरर, ये दिया हुआ है, रट लेना, सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला जो सवाल है बच्चों, छठा, ये भी ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कह रहा है कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, अब प्लेन मिरर जो है ना कैसा इमेज बना दिया है, रियल इमेज। तो मैं आपको पढ़ाया था ये कब संभव है, कि तब संभव है जब इस पे आने वाला जो इंसिडेंट रे है वो कैसा रहे, कन्वर्जिंग रहे, याद है, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है वर्चुअल, जबकि इसका जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, रियल। ये हम थ्योरी में पढ़ाए थे, आपको याद आ गया होगा देख के, ठीक है ना। छापिए सबको, आगे बताते हैं आपको हम। अगला सवाल है फॉर्मूला पुटिंग है बच्चों, दिया हुआ है 7 नंबर में, कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो कैसे रखा हुआ है, सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, जिसके बीच में एंगल कितना है 72 डिग्री, बताना है नंबर ऑफ इमेज, याद होगा बताए थे 360 बाई थीटा करो कितना आ जाएगा 5, 5 क्या आ रहा है ऑड नंबर, ऑड नंबर है, रखे कैसे हैं, सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, तो पढ़ाए थे नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 4, हो गया कितना ही था इसमें, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 8 करते हैं जी हम लोग बच्चों, कह रहा है एक आदमी जो है ना, आदमी के पीछे 1.6 सेंटीमीटर टॉल एक वॉल है, ठीक है, और मिनिमम साइज कितना चाहिए प्लेन मिरर का ताकि वह अपने पीछे का टोटल दीवार को देख पाए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो दीवार है ना, दीवार का ऊंचाई है 3 मीटर, दीवाल को पूरा देखना है, तो दीवाल को पूरा देखना है तो इसमें आदमी के हाइट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये भी आपको हम थ्योरी में पढ़ाए हुए थे, ठीक है, अगर आप याद कर पाए, देखिए पढ़ाए थे आपको कि ये दीवाल है, ये मिरर है, ठीक है ना, सब कुछ एकदम सिमेट्रिकली रखा हुआ है। ये जो था ना, ये आदमी था, आदमी का आँख है ये बेसिकली, ठीक है, आप याद कीजिए, आपको ये पूरा डिराइव करके हम बताए हुए थे, फिर से प्रूफ करे पड़ेगा, पढ़ाया हुआ आपको कॉपी में, कॉपी में पलट के देख लीजिएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाए थे कि ये दूरी x है, ये भी दूरी क्या है x है, ये दूरी भी x है, ये भी दूरी x है, इतना दूर का दूरी x है, ये भी x है, ठीक है ना। आदमी और मिरर, और ये मिरर और दीवार के बीच में है ना आदमी, तो बिल्कुल बीचों बीच में है, तो ये x होगा, तो ये पूरा क्या होगा 2x होगा, ठीक है ना। फिर हम बता रहे थे कि मान लो ये ऊंचाई अगर y है तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा 2y, ऐसे ही मान लो ये ऊंचाई अगर y है, ये वाला ऊंचाई बताए थे कितना हो जाएगा 2y, ठीक है ना। बाई सिमेट्री, ये अगर y है तो इतना दूर वाला भी क्या हो जाएगा y, ये भी क्या हो जाएगा y, इसके सामने y, इसके सामने ये y, तो टोटल कितना हो गया 6y,
ये टोटल कितना साइज हो गया वॉल का 6y और इसका साइज कितना है 2y, तो मिरर का साइज कितना चाहिए 1/3 चाहिए, मतलब 6y का 1/3, ठीक है ना। तो वॉल का लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो मिरर का लंबाई कितना चाहिए 1 मीटर चाहिए और क्या, ठीक है ना। चलो नाइन नंबर क्वेश्चन भी इसी में निपटा देते हैं। कह रहा है एक पर्सन मूव कर रहा है भी स्पीड से एक प्लेन मिरर के तरफ, तो विथ व्हाट वेलोसिटी डज हिज इमेज मूव टुवर्ड्स हिम, मतलब उसको अपना इमेज किस तरह से किस वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा। तो मिरर का वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दिया, ये 0 ले लो। आदमी ये मैन है, मैन को ऑब्जेक्ट मानो जो कि मिरर की तरफ भी स्पीड से जा रहा है, इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो इसका इमेज भी इसकी तरफ आ रहा होगा। तो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, आदमी को खुद का इमेज किस तरह से आते हुए दिखाएगा, मतलब किस वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा, वो पूछ रहा है, ठीक है ना। वेक्टोरियली ये हम पढ़ा चुके हैं, ये तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए। ये था -2O + 2Vm, ये तो 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा -2 × V आ जाएगा, ये आई कैप में जा रहा है और ये कहाँ जाते दिखेगा माइनस आई कैप में। खैर ये तो वेक्टर की बात हुई। मैग्नीट्यूड कितना होगा just 2V, और ये पूरा मुद्दा किस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूछा एक्स एक्सिस में ही है, वाई एक्सिस में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वाई एक्सिस में सब कुछ सेम दिखता है, ठीक है ना। चलो बच्चों छाप लो पूरा, फिर आगे का कहानी करते हैं जी।